आज हम देखेंगे एडिटिंग पार्ट। हमने फैच करना देख लिया, क्रड की फंक्शनलिटी में कौन, क्रड का मतलब क्या है, क्रिएट रीड, CRU, यू मतलब अपडेट, और इंसर्ट डिलीट, इन शॉर्ट इंसर्ट अपडेट डिलीट और फैच, ये हो गया क्रड। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या कर देंगे, एडिट करना। एक बार आपको एडिट एडिट करना डेटा आ गया तो फिर समझ लो डिलीट करना तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडिट हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट है क्या एडिट करना। अब आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा हो, यहाँ पे हमको आईडी मिल गया है, करेक्ट। अब हम लोग एक एडिट का फॉर्म बनाएंगे। न्यू फाइल बना रहा हूँ मैं, न्यू फाइल, एडिट एडिट फॉर्म, या सिर्फ एडिट लिखते हैं, एडिट डॉट जेएसपी, सिंपल रखते हैं। जेएसपी स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहले ये बेस्ट प्रैक्टिस है, ये आप देख लें कि चल रहा है, कि ये पेज ओके चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आप इसको नए यूआरएल में ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे एडिट डॉट पी एच पी, अरे प्रॉपर चल रहा है, मैं इसको यहाँ पे चल देता हूँ। अब सेकंड, अब एडिट में क्या होता है, एडिट में हमने एड में देखा कि आप फॉर्म होता है, तो एडिट में सेम तरीके से फॉर्म ही होगा, नया तो कुछ होगा नहीं। फॉर्म, ये एडिट का फॉर्म है, ये कॉपी किया मैंने, कंट्रोल सी किया, यहाँ पे कंट्रोल ऑल किया, कंट्रोल वी कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एडिट देखेंगे तो फॉर्म लिखेगा आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे सब लिस्ट लिख रहा है, यहाँ पे आपका एडिट लिख रहा है। अब सबसे पहले यहाँ पे जब हम लोग क्लिक करते हैं तो एडिट पे जाना चाहिए, तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आप यहाँ पर हाइपरलिंक बनाएंगे और क्लिक करेगा तो एडिट वाले पेज में लेके जाएंगे। तो टाइटल लिख देते हैं जिससे कन्फ्यूज़न नहीं हो, दिस वन, दिस इज एडिट पेज, करेक्ट, दिस इज एडिट। अब सबसे पहले हम लोग हाइपरलिंक बनाएंगे। हाइपरलिंक कहाँ पर बनाएंगे, हमारा इंडेक्स में कोई लिस्ट आ रही है। अब हाइपरलिंक कैसे बनाएंगे, यहाँ पर ऐसा किया है तो हाइपरलिंक बनाना आसान हो गया, मुश्किल आसान होगा। ए टैब, यहाँ पे हाइपरलिंक दे दिया मैंने, स्लैश क्या नाम था, एडिट डॉट पी एच पी, करेक्ट। यहाँ पर आगे मुझे स्कूल मैनेजमेंट भी लगाना पड़ेगा, SCHOOL स्कूल, MANAGEMENT, स्कूल मैनेजमेंट, एक बार टेस्ट कर लेते हैं। ओके, मैंने क्लोज नहीं क्लोज किया, यहाँ पर टेस्ट लिख, स्टेप बाई स्टेप क्या करना है, हाइपरलिंक आ रही है, करेक्ट। अब मुझे क्या करना है, ये जो पी एच पी इको है ये सिंपल, इसको चलो ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है, सिंपल है, ये मैंने हाइपरलिंक लिया है और यहाँ पे टेस्ट, आपको एचटीएमएल आना तो कंपलसरी है, अगर नहीं आता तो पहले सीख लीजिए एचटीएमएल, उसके बाद पी एच पी करिए तो आपको ईजी लगेगा। अब यहाँ पे क्या है, टेस्ट है, इसकी जगह मुझे क्या दिखाना है, आईडी दिखाना है, करेक्ट। अब देखो ये कोडिंग कितनी इजी है, अगर आप सब कुछ इको से करते तो बहुत ही कन्फ्यूजिंग हो जाता, करेक्ट। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको क्लियरली दिखे, सिंगल लाइन में, देखा सिंगल लाइन में। अब क्या सिंपल क्या किया मैंने, सबसे पहले रिफ्रेश करूँगा, क्लिक करूँगा, पेज पे जा रहा है, परफेक्ट। ठीक है, अब जब भी मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ देखो एडिट डॉट पी एच पी पे जा रहा है ना, तो क्लिक किया तो एडिट डॉट पी एच पी पे लेके जा रहा है। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, अगर आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा से एक बार रिपीट कर ले, नहीं तो जैसे जैसे आगे जाएगा चीज़ें थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी, करेक्ट। अब यहाँ पे अगर मैं आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप यूआरएल पे ध्यान दो क्या रहा है, एडिट डॉट पी एच पी, पर ये जो एडिट डॉट पी एच पी है इसको ये नहीं पता चल रहा कि कौन सा रिकॉर्ड मुझे एडिट करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए कुछ तो पैरामीटर पास करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पैरामीटर पास करेंगे। अब पैरामीटर कैसे पास करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया और आईडी इक्वल टू 1, अभी स्टैटिक रखते हैं, रिफ्रेश किया,
आप इसको ले जाओगे, यहाँ पे माउस और ले जाओगे तो नीचे आप देखोगे आईडी इक्वल टू वन आ रहा है सब जगह, है ना। अब अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो आईडी इक्वल टू वन आ रहा है, करेक्ट। ठीक है, इसको गेट मेथड भी बोल सकते हैं। ये गेट मेथड है, मतलब मैं आईडी पास कर रहा हूँ यूआरएल में, तो ये गेट मेथड्स के थ्रू मैं गेट कर सकता हूँ इसकी आईडी। ये जो यूआरएल आ रहा है ना क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी चीज़ आती है उसको हम लोग गेट मेथड से फैच कर सकते हैं। इस पर भी वीडियो बनाया है मैंने, अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको एक बार देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब एक बार फैच करके हम लोग देखते हैं। अभी मैंने आईडी वन पास किया, अभी डायनामिक नहीं किया, स्टैटिक ही है ये। अरे आईडी यहाँ पे पास करते हैं। अब फैच कैसे करेंगे, आपको जैसे मैंने बताया था पीएचपी कहीं भी स्टार्ट एंड कर सकते हैं। यहाँ पे पीएचपी स्टार्ट एंड किया, अब सबसे पहले मैं इको कर लूँगा। सिंपल देखते हैं कि डॉलर अंडरस्कोर गेट में क्या आ रहा है। ये है आपका ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। अगर रिफ्रेश करते हैं तो देखो अभी क्या आ रहा है, क्यों ऐसा आ रहा है, क्योंकि इको किया है, इसको प्रिंट करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये है आपका एरे। क्या हो गया भाई, फोर नंबर लाइन, 1 2 3 4, यहाँ प्रिंट आर, करेक्ट, एरे मिल रहा है आपको, है ना। ये डॉलर क्या है, एरे। अब आपको पता है ये ग्लोबल वेरिएबल है। ग्लोबल वेरिएबल का मतलब क्या है, जो पीएचपी ने बाय डिफॉल्ट बनाया है, पोस्ट हो गया, गेट हो गया, ये सब ग्लोबल वेरिएबल्स बोलते हैं इसको, ठीक है। तो डॉलर गेट आप देखो कि एरे है जहाँ पे आईडी की है और वैल्यू वन है, करेक्ट। अगर मैं यहाँ पे अगर टू अगर पास करवा देता हूँ, टू, तो देखो टू आ गया, है ना, डायनामिक हो रहा है। थ्री किया तो थ्री आ गया, समझ गए। अब इससे आपको लॉजिक बिल्ड हो रहा है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल थ्री है तो मेरे पास ये पेज के अंदर मुझे थ्री की वैल्यू मिल रही है, करेक्ट। इसको शो कैसे करेंगे, तो ये एरे है। अब एरे को कैसे इको करना होता है, इको डॉलर अंडरस्कोर गेट क्या आएगा, आईडी, करेक्ट, कैपिटल में नहीं है, स्मॉल में है। इसको अब हटा सकता हूँ या कमेंट कर सकता हूँ, कमेंट कर दिया मैंने, रिफ्रेश किया, देखो क्या मिल रहा है मुझे, इको आईडी मिल रहा है थ्री, थ्री है, टू करूँगा तो टू मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ, थोड़ा बेटर कर देते हैं इसको। अब यहाँ पे आईडी डॉलर आईडी, करेक्ट, वेरिएबल नेम कैसे देते हैं, डॉलर से स्टार्ट होता है, आईडी इक्वल टू, अब ये क्या हो गया, जो आईडी है मैंने ब्राउज़र से यूआरएल से गेट किया है, गेट मेथड से, और स्टोर किया है आईडी नाम के वेरिएबल में। अब ये सिंपल हो जाता है, इको डॉलर आईडी आ गया, सेम चीज़ है। यह मैं डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकता हूँ या इसको वेरिएबल में भी स्टोर कर सकता हूँ, ये डिपेंड मुझे कैसे इसको यूज़ करना है, ठीक है। रिफ्रेश कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कर, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सबसे पहले अब हम लोग प्रीवियस पेज में जाएंगे। यहाँ तो हम लोग मैनुअली टाइप कर रहे हैं, पर हमेशा थोड़ी मैनुअली टाइप करते रहोगे, तो हम लोग लिस्टिंग पेज में गए। तो ये लॉजिक ये बनता है, अगर मैं यहाँ पे डायनामिक पास कर दूँ आईडी, तो मैं नेक्स्ट एडिट वाले पेज में मैं उसको गेट कर सकता हूँ, करेक्ट। फर्स्ट लॉजिक ये है, तो इंडेक्स है, तो यहाँ पे कैसा है, कैसे लिखेंगे, आपको ऑलरेडी पता है पीएचपी स्टार्ट एंड कहीं भी कर सकते हैं। तो ये सेम चीज़ कॉपी, ये आईडी प्रिंट कर रहा है, कॉपी किया मैंने, खाली वन को रिप्लेस करना है आपको, बड़ा कर देता हूँ जिससे सिंगल लाइन में दिखे, डबल लाइन ही आएगा, पर इस तरीके से आपको थोड़ा काम चलाना पड़ेगा। यहाँ पे एंड हो रहा है, चलो इस तरीके से कर लेते हैं, तो सिंपल हो जाएगा, ये भी सिंपल। ठीक है, समझ में आ गया, रिफ्रेश किया, 4 5 6, है ना, आ रहा है, अलग अलग डायनामिक हो गया मेरा डेटा, सिंपल है। अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो मुझे कमेंट में पूछ लेना। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मुझे आईडी मिल रहा है, करेक्ट। तो ये स्टेप, अब ये स्टेप में क्या किया हमने, कि फर्स्ट वेरिएबल्स डायनामिक किए और सेकंड
हमने उसको पास किया सेकंड पेज में, पास कर रहे हैं पैरामीटर्स। अब जैसे आपको पूछा जाए कि फर्स्ट पेज से पैरामीटर सेकंड पेज में कैसे पास करोगे, तो एक तो ये तरीका हो गया, अपने यूआरएल में अटैच कर दिया आईडी के थ्रू और पास कर दिया, ठीक है ना, करेक्ट। तो ये हो गया हमारा, एक तो फॉर्म हो गया, और सेकंड अब हम लोग नेक्स्ट ये करते हैं कि ये आईडी जो मिला है अब इसको बंद कर देते हैं, नेक्स्ट डॉट पीएचपी की ज़रूरत नहीं है। अब ये आईडी मिला है, इससे मुझे क्वेरी बनानी है। तो याद होगा आपको कि डेटाबेस कनेक्शन करना पड़ता है पहले, पर हमने इसके लिए इंक्लूड फाइल बना ली है, तो हमारा काम सिंपल हो जाता है। इससे हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड डीबी डॉट पीएचपी, करेक्ट। आप प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ में तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। डीबी डॉट पीएचपी में क्या कोड है, डेटाबेस कनेक्शन किया हुआ है हमने, करेक्ट। हमको दोबारा से डेटाबेस कनेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। एडिट, अब हमको एडिट करना है, तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा एडिट के लिए, तो सबसे पहले फॉर्म में वैल्यू शो करनी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे, अब उसके लिए क्या है, सबसे पहले एसक्यूएल क्वेरी बनाएंगे। क्या क्वेरी बनाएंगे, डबल कोट के अंदर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट्स। देखा, ये स्टूडेंट मुझे डेटाबेस के अंदर जाके देखना नहीं पड़ा, क्योंकि जनरली प्रैक्टिस हम लोग यही रखते हैं कि जो डेटाबेस टेबल का नाम है वो प्लूरल हो। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, अब कंडीशन लगेगी वेयर आईडी इक्वल टू क्या है, टू। पहले तो हम लोग स्टैटिक देखते हैं आ रहा है कि नहीं डेटा, करेक्ट। अब नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, अब आप डब्ल्यू थ्री स्कूल पे जाओ, यहाँ पे आपको रेफरेंस मिल जाएगा वेयर क्लॉज, करेक्ट, वेयर, ठीक है। ये क्या बता रहा है देखो, है ना, सिलेक्ट आई डी फर्स्ट नेम वेयर आई डी इक्वल टू ये, फिर इसके बाद क्या करना है, फिर लूप जाएगा, पर यहाँ पे हमको लूप नहीं करना, हमको सिंगल रिकॉर्ड चाहिए, करेक्ट। तो यहाँ पे लिमिट वन, करेक्ट। अब आपको अगर ये चेक करना है कि मेरी क्वेरी सही है या नहीं, तो कैसे करेंगे, आप यहाँ पे जाइए क्लोज, और कौन सा था, स्कूल स्टूडेंट्स नाम का टेबल है, यहाँ पे बंद करेंगे, यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी में जाके रन करके देख लीजिए कि सही है या गलत, ठीक है। सही है, एक ही रिकॉर्ड मिल रहा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर, इसका मतलब क्या है कि क्वेरी सही है मेरी, ठीक है। अभी हम लोग डायनामिक नहीं कर रहे, इसको डायनामिक करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एक बार हम लोग कोड लिख लेते हैं फिर, अगर सिंपल तरीके से, और फिर तो सिंपल हमको खाली ये आईडी है यहाँ पे पास करना और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब हमको सिंगल रिकॉर्ड फेच करना है, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे सिंगल रिकॉर्ड के लिए, अब मैं अगर पूरा वाइल लूप लिखूँगा तो बहुत सारा कोडिंग हो जाएगा, और इधर ऑलरेडी सिर्फ हमने लिमिट दे के रखी कि एक ही रिकॉर्ड, तो ये लिमिट नहीं रखेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि ऐसे भी आईडी यूनिक है, एक ही रिकॉर्ड मिलेगा, पर प्रिकॉशन के बेस पे हमको लिख लेना लिमिट बाय वन बेटर। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको क्वेरी रन करनी पड़ेगी, और हमको क्या करना है, अब सबसे पहले आपके सामने ही अभी मैं कोड कर रहा हूँ, सबसे पहले डॉलर क्या आएगा, रिजल्ट। अब गूगल पे सर्च मार लेते हैं थोड़ा, सिंगल रो फेच, पहले आपको सर्च करना भी आना चाहिए, पी एच पी करेक्ट, माई एस क्यूएल फेच सिंगल रो, ठीक है, फेच सिंगल रो। इसका बेनिफिट क्या है कि अब मैं एज अ लेजीनेस अगर देखा जाए, तो अभी अगर मैं अगर वाइल लूप लिखूंगा तो बहुत सारा वाइल से भी लिख सकता हूँ, वाइल लूप लिखूंगा, एरे बनाऊंगा, फिर एरे में डेटा स्टोर करूंगा, या यहाँ पे वाइल लूप घुमाऊंगा, वो बहुत बेकार कोडिंग हो जाएगी, मेरे कोड बहुत बढ़ जाएंगे, मैं वैसा नहीं चाहता, करेक्ट। तो
मैं गूगल पे सर्च मारूंगा कि सिंगल रो मुझे कैसे मिल जाए। देखो ये एग्जांपल देखा आपने, माई स्कूल क्वेरी आ गई और यहाँ पे रो माई स्कूल फेच रो, ठीक है इसको ट्राई करते हैं। अब ये पुरानी क्वेरी माई स्कूल है और हम लोग यूज़ कर रहे हैं माई स्कूल लाइट, करेक्ट। तो माई स्कूल लाइट में कैसे लिखते हैं, डॉलर क्या है रिजल्ट इक्वल टू माई एसक्यूएल आई लिख देना है आपको, और क्या है क्या था कनेक्शन क्वेरी याद नहीं है तो गूगल पर सर्च मार लेना क्वेरी और क्वेरी के अंदर डॉलर एसक्यूएल। यहाँ पे क्या दिया है इसने MySQL फेच रिजल्ट, करेक्ट कॉपी कर दिया और यहाँ पे MySQL आई लिख दिया मैंने और यहाँ पे रिजल्ट पास कर दिया। बट ये क्या करेगा, एरे मुझे रिटर्न करेगा प्रिंट आर आर डॉलर। अच्छी कोडिंग लिखने के लिए आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा और परफेक्ट एक ही बार में चल गया। जनरली ये मेरा लक है कि एक बार में चल जाता है, नहीं तो जनरली ऐसा होता नहीं। आपको आपको खुद से ही दिमाग से सोचना पड़ेगा कि मैं वाइल लूप लिखूँगा, फिर एरे एक एरे सिंगल ब्लैंक एरे बनाऊँगा, फिर जो लूप होगा एरे के अंदर स्टोर करूँगा, फिर यहाँ पे एरे पास करूँगा, वो बहुत ही कंबर्सन और बहुत मेरी कोडिंग ख़राब हो जाएगी। तो इससे अच्छा मैं बेटर कोडिंग कैसे कर सकता हूँ, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कोडिंग करते हैं तो सोचिए कि इसको और बेटर कैसे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो मुझे यहाँ पे डेटा मिल रहा है ऊपर, तो मैं क्या करूँगा डॉलर रो यहाँ पे मैं क्या करूँगा वैल्यू पास कर दूँगा, वैल्यू पीएचपी स्टार्ट एंड। अब तो आपको पता चल गया होगा इनलाइन पीएचपी कैसे लिखते हैं, पीएचपी स्टार्ट किया और पीएचपी एंड किया, इको डॉलर रो और यहाँ पे आ गया क्या मिल रहा है आपको एरे के अंदर 0 1 0 आईडी मिल रहा है 1 और 2 एक ही है, तो ऐसे भी सिंगल आ रहा है तो यहाँ पर आप 0 लिख सकते हैं। ये है आपका नाम, करेक्ट। तो यहाँ पर 1 लिखना है क्योंकि आपको जो एरे में 1 में मिल रहा है नाम 1 में मिल रहा है ना। तो रिफ्रेश करेंगे परफेक्ट, और सेकंड यहाँ पे हो गया कंट्रोल सी और यहाँ पे ये पूरा लाइन लिखना। आप लोग लिखेंगे तो बेटर है, आप प्रैक्टिस होगी तो लिखने का बहुत बोरिंग होता है। टू किया सेव किया, देखो यहाँ पर एरर नहीं है, फिर भी हम लोग इसको एंड कर देंगे तो बेटर है क्योंकि कुछ सर्वर स्ट्रिक्ट प्रोग्रामिंग अलाउ करते हैं, कुछ सर्वर स्ट्रिक्ट प्रोग्रामिंग अलाउ नहीं करते, तो वहाँ पे ध्यान रखना है। तो अगर आप प्रॉपर फॉलो करेंगे तो आपके एरर्स नहीं आएंगे, करेक्ट। तो ये लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, आपने गेट मेथड का भी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लिया, यहाँ से हमने पास किया वैल्यूज, यहाँ पे हमने पास किया वैल्यूज आईडी डायनामिक बनाई, करेक्ट। फॉर एग्जांपल 6 है, एक बार चेक कर लो रमेश प्रजापति आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने डायनामिक नहीं किया, अभी तो हम लोग टेस्ट कर रहे थे कि डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ गया ये रहा। अब उसको डायनामिक कैसे करना है, यहाँ पर डॉलर आईडी लगा दो, हो गया डायनामिक। आप एक बार चेक कर लो परफेक्ट, वापस दोबारा चेक कर लेते हैं, विश्वास नहीं है तो 3 पे किया और 3 है ना। तो देखो ये सिंपल हमने कर दिया सिंपल स्टेप से, ठीक है। तो ये लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि एडिट कैसे अपडेट करा रहा रिकॉर्ड को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हैव अ ग्रेट डे, बाय।